हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेसिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो ये हमारे अवतार सीरीज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरे में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन करा दिया है विथ शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने बोला था दो चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का कराऊंगा इसमें। तो आज है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक चैप्टर है। फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी जाके सारा फिजिकल समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे मैं गारंटी ये दे रहा हूँ, उसमें तो 160+ बोला हूँ ना, यहाँ पे गारंटी ये दे रहा हूँ कि 20 out of 20 क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को पढ़ो, जो थ्योरी दूंगा थ्योरी को पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 20 out of 20 सही हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तीन चीज़ें होती हैं, आम, राम और गाम। पहला आम यानी कि एवरेज एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरा ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मान लो हाइड्रोजन का लिखना है तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, ये होता ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1.61 × 10⁻²। तो उसी को रिलेटिव एटॉमिक मास में लिखोगे तो 1 mu लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास में 1 ग्राम लिखोगे, तो ग्राम है ना, तो ग्राम में ग्राम आएगा यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखना है तो 16 तो ऑक्सीजन का होता ही है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, कार्बन का होता है 12, तो इंटू 1.61 × 10⁻², ये हो गया आम यानी कि एवरेज एटॉमिक मास। इसी का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 mu, और ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, ठीक। एक चीज़ याद रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस होता है, देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना मैं, यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ देखो, amu निकालने का फॉर्मूला होता है, amu इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन NA, NA हमारा क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। ये देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, फॉर्मूले बस याद करो, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो, तुमसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर पूछेगा, ठीक है, तो उसको हमेशा amu में ही देते हैं। ऑप्शन चेक कर लेना, amu में दिया कि ग्राम में दिया हुआ है। अगर amu में दिया है तो इसका मतलब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास अगर amu में दिया है तो उसका अगर एक्चुअल मास पूछेगा तो 1.67 × 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर दो। यही देखो, यही है हाइड्रोजन वाला है, बेसिक हाइड्रोजन होता है ना, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का। अगर जैसे कार्बन का 12 mu है, वाटर का 18 mu है, तो एक्चुअल मास पूछेगा तो × 1.6 × 10⁻²² × 1.6 × 10⁻²² कर देंगे, ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, 1 atom का मतलब अगर 16 mu है तो 1 mole का मतलब क्या होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है। मोल को देखोगे तो यहाँ पे ग्राम में आंसर आएगा, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर मोल के बारे में पूछेगा तो ग्राम में आंसर आएगा, एटम के बारे में पूछेगा तो amu दिया हुआ, ठीक है। एक एटम का मास कितना हो गया, 16 mu अगर दिया हुआ, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के बारे में लिख रहा है ये, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया, 16 mu हो गया, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो वही चीज़ यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास, मैंने क्या बोला था, ग्राम एटॉमिक मास अगर पूछता है, GAM ग्राम होता है ना इसको, तो ये ग्राम में इसको आंसर देंगे, 12 ग्राम 18 ग्राम, ठीक। आगे बढ़ो, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये लीटर में होगा, देखना वॉल्यूम को किस में लोगे, लीटर में लोगे, तो ये 22.4 लीटर है, तो वॉल्यूम को लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक। इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन NA, यानी कि तुमसे अगर पूछेगा कि 3 mole है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो तुम क्या करोगे, 3 = नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन NA का वैल्यू क्या रखोगे, 6.022 × 10⁻², यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन NA, जहाँ पर NA क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻²। कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब वो मोल होता है। जैसे मान ले पूछा 5 ग्राम एटम लिखा, तो 5 ग्राम एटम का मतलब हुआ 5 mole, 5 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा इसका मतलब हुआ 5 mole, ठीक। देखो एक मोल में कोई भी चीज़ अगर 1 mole है तो उसमें NA होता है, तो जैसे 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब उसमें NA मॉलिक्यूल होगा, 1 mole ऑफ एटम है उसका मतलब क्या होगा, NA एटम होगा, समझ गया ना। यानी कि 1 mole में NA होता है, 1 mole में NA होता है तो उसी का कोई भी चीज़ हो, जैसे 1 mole में NA हुआ तो 1 mole मॉलिक्यूल में कितना होगा, NA मॉलिक्यूल होगा, 1 mole एटम में कितना होगा, NA एटम होगा, समझ रहे, NA क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। यहाँ देखो नंबर मोल्स निकालने का कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है,
वॉल्यूम इन ml अपॉन मॉलिकुलर मास, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ठीक है। अभी कहीं पे अगर ये अप्लाई होगा, स्पेशल केस होता है, अगर कहीं पे अप्लाई होगा तो मैं बता दूंगा ठीक। वॉल्यूम इन ml अपॉन मॉलिकुलर मास आ गया हो। कोई भी तुमसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, कुछ भी पूछे तो मैंने लिखा x, x मतलब एनीथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी सॉरी तो क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स इंटू मोल इंटू एन ए, मतलब कि एनीथिंग जो प्रोटॉन का नंबर है, तो मान लो एन थ्री माइनस है, इससे पूछ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा, प्रोटॉन पूछेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो x लिख देना है जितना भी हो, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 लिख दो, 10 प्रोटॉन हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू मोल इंटू एन ए। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सारे क्वेश्चन तुरंत, जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ फोटो निकाल रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो वहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे एक्स इंटू मोल इंटू एन ए हो जाएगा, जहाँ पे एन ए अवगाद्रो है हमारा ठीक। आगे बढ़ो, ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है लेक्चर। देखो एल्युमिनियम प्लस थ्री है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 13 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार। अगर प्लस में होता है तो जितना प्रोटॉन होगा उसमें से चार को घटा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 13 था, 13 में से 3 गया, 10 गया ठीक है। एन थ्री माइनस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एन में कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 होता है, एन थ्री में कितना होगा, 21 हो गया ना, 7 3 21, और माइनस है, प्लस होता है तो घटाते हैं ठीक है, माइनस होता है जोड़ते हैं ठीक। तो वही काम किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 21 हो गया, चार जो माइनस में तो एक जोड़ दिया, 22 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो फिर एन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 5 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 × 3 5 × 3 15 और 1 16 ठीक। देखो इक्वल वेट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ एटम, इसको याद कर लो। इक्वल वेट अगर है किसी एलिमेंट का किसी भी फॉर्म में है, तो उस पर सेम नंबर ऑफ एटम होगा ठीक। सेम नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना नंबर मॉलिक्यूल होगा ठीक है। पी बी इक्वल टू होता है एनआरटी, सबको मालूम है, आर का वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन यूनिट, ध्यान में रखना ठीक। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट होता है ग्राम पर सीसी। एक चीज़ और याद रखना, जब रिलेटिव डेंसिटी तुमसे पूछेगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव मतलब किसी से तुलना करना, तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस, किसके रेफरेंस में ले रहे हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन के रेफरेंस में लोगे तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, कार्बन के रेफरेंस में लोगे तो डेंसिटी ऑफ कार्बन लेना पड़ेगा, वो दिया होता है क्वेश्चन में, मैं तुम्हें सिखा दूंगा शाम को प्रैक्टिस सेशन में ठीक। आगे बढ़ो, देखो इफ वैल्यू ऑफ अवगाद्रो नंबर ही चेंज, अगर अवगाद्रो नंबर की वैल्यू चेंज होगी तो मास ऑफ वन मोल चेंज होगा ठीक है, इसको याद रखना, ये थियरी है और कुछ नहीं है, यानी अगर अवगाद्रो नंबर की वैल्यू चेंज करोगे तो मास ऑफ वन मोल चेंज होगा ठीक। अगर वैल्यू ऑफ ए एम यू ही चेंज ठीक, अगर ए एम यू की वैल्यू चेंज करोगे तो राम विल चेंज, राम का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास विल चेंज, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, जो नया वाला होगा वो हो जाएगा राम रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू एक्स अपॉन 12। एक्स का हमारा क्या होगा, 12 क्यों होगा, क्योंकि कार्बन से कंपेयर करते हैं ना, और एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स देखो मान लो कहीं लिख दिया कि नया वाला जो ए एम यू है वो 1/1/1/24 ऑफ कार्बन हो गया, तो 1/1/24 ऑफ कार्बन अगर मान लो लिख दिया तो एक्स का वैल्यू 24 हो जाएगा ठीक है, वही यहाँ पे लिखा मैंने 1/x = 1/24, एक्स का वैल्यू 24 मान लो लिख दिया, 1/15 हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना ठीक है, कि अगर ए एम यू का वैल्यू चेंज होगा तो राम अपने आप चेंज हो जाएगा, राम डैश कितना हो जाएगा, राम इंटू एक्स अपन 12। देखो एवरेज मोलर मास अगर पूछेगा तो मास, एवरेज मोलर मास क्या होता है, m1x1 + m2x2 और ये प्लस होगा प्लस m3x3/100 ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुमको सिखा दूंगा मैं, जैसे मान लो दिया हो कि 25% है m1, 20% है m2, तो m1 तो मोलर मास हो जाएगा उसका, जितना भी मोलर मास, जैसे कार्बन दिया हो 25%, तो क्या लिखोगे, 12 × 25 ठीक है। मान लो दिया ऑक्सीजन दिया हो 20%, तो 16 × 20 ऐसे करके सारा जोड़ते जाएंगे और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, यह हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। तो एम एवरेज कितना हो गया, यानी एवरेज या मोलर मास कितना हो गया, m1x1 + m2x2 + m3x3/100 ठीक। मास परसेंटेज पूछेगा तो बस क्या करना, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मतलब होता है कितना नंबर है, जैसे मान लो
5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, वो नंबर दिया होता है। तो एटोमिसिटी हमको दिया होता है क्वेश्चन में, एटोमिसिटी हो सकता है पूछे तुमसे, तो एटोमिसिटी अगर पूछेगा तो मास परसेंटेज यहाँ पे लिए है ही, मॉलिकुलर मास को इधर कर देना अपन एटॉमिक मास कर देना, ठीक है, मैथमेटिक्स से बेसिक। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन पूछा है, PYQ में भी पूछा है, तो अच्छे से पढ़ देना, ठीक है। क्या होता है एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है, अच्छे से याद करके ही शाम वाले प्रैक्टिस सेशन में आना, तभी कर पाओ क्वेश्चन। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं करा दूंगा तुम्हें कैसे करते हैं, मैं बता दूंगा वहाँ पे कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक। अगर मास परसेंटेज सेम है इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला भी सेम होगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक। एक चीज़ याद रखना, जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है ना, जैसे मान लो H2O भी मॉलिकुलर फार्मूला, कुछ भी मॉलिकुलर फार्मूला जो होगा हर एक कंपाउंड का यूनिक होता है, यूनिक मतलब बहुत ही अलग अलग होता है, ठीक है, यूनिक होता है, लेकिन आइसोमर के लिए नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर आइसोमर, आइसोमर्स में यूनिक नहीं होता है, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म में आओ, अगर परसेंटेज बाई मास पूछ रहा है, परसेंटेज बाई मास यानी परसेंटेज बाई वेट, तो क्या लिखोगे, वेट अपॉन वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट जो है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है, इसका मतलब यही होता है। तो फॉर्मूला बस याद रखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा, ऊपर तो लिख दो क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन, देखो यहाँ पे देखो वेट है, वेट है ना, वेट मतलब मास, तो ऊपर भी मास ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। यहाँ देखो वेट अपन वॉल्यूम है, तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। WYB का मतलब हुआ ऊपर वेट रखो, नीचे रखो वॉल्यूम, वेट किसका रखोगे सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका रखोगे सॉल्यूशन का, टोटल लगते हैं ना इंटू 100। तीन हमारा समझ में आ गया। चौथा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। इससे NCERT में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक। आगे आओ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मान लो, जैसे मान लो एक कंपाउंड ए है, एन मोल है, N1 है, इसमें N2 है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, N1 है N2 है, तो मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 का, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 अपन नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ 2, यानी कि नंबर जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। देखो मोल ऑफ ए निकालना है, तो मोल ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल ऑफ बी इजकल टू, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू मोल ऑफ बी अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। बहुत आसान होता है, अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा, बस फॉर्मूले याद रखो। मोलैरिटी इजकल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल एन से दिखाते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा अपन वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का किस में, लीटर में, लेकिन वही मोलैरिटी होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हो जाएगा। ये फॉर्मूले दोनों देख लेना, यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है लीटर में नीचे, और मोलैरिटी में मास आता है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg या जो भी kg जी आओ, ठीक है ना, फॉर्मूले याद करो। अब देखो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, मैंने लिखवा दिया, ये तुमको वहाँ पे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएंगी, तो रट्टा मारो अभी से, ठीक। देखो मोलैरिटी इजकल टू क्या होता है, अभी बताया था, मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, उससे निकालना हो तो क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट वाई वॉल्यूम इंटू 10 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये परसेंटेज वेट वाई वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे वेट परसेंटेज दिया, वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट वाई वेट, तो अगर कहीं पे वेट परसेंटेज दिया हो या वेट वाई वेट दिया हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे मोलरिटी, वेट परसेंटेज इंटू रो इंटू 10 अपान मोलर मास, और ये रो क्या हमारा, ये डेंसिटी है, ठीक। और तीसरा फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट यानी मॉलिकुलर मास। डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट कब लगाओगे, जब डेंसिटी kg पर लीटर में होगा, ठीक। लेकिन अगर वही डेंसिटी ग्राम पर cc ग्राम एमएम में दिया हो, तो इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे कब, जब ग्राम पर cc में होगा, ग्राम पर ml में होगा। तो मोलैरिटी का 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम देगा उस वाले चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले में, तो अच्छे से अभी से कर लो, ठीक। अब आ जाओ मोलैरिटी पे, मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या था, मास इन kg था ना। अब देखो
इसके लिए मोलैलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास। यानी अगर तुमको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो और तुमसे मोलैलिटी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर मोलैलिटी पूछ रहा है और मोलैरिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी, ये हमारा है मोलैरिटी, एम क्या हमारा मोलैरिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। इसी को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1000 एम अपॉन 1000 रो माइनस मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू ये मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो दोनों थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर जगह काम आएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन को जल्दी करने में बहुत काम आएंगे। जो डेंसिटी निकालोगे सॉरी इक्वेश मतलब लिखोगे, एक बार थियरी लिखोगे तब आएगा, फॉर्मूले याद रखो, आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और हमको इसका एक फॉर्मूला और होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह जो भी हैं वो तुमको रेडॉक्स वगैरह में पढ़ाए जाएंगे और वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा सोल्यूशन में, तो वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी बस अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो, ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है फराडेला में, ठीक। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास अपन इक्विवेलेंट वेट अप इंटू वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूले बस याद रखो, शाम को आना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, देखना कैसे होगा। ये देखो, मैक्सिमम केसेस में जो हम स्टोकोमेट्री लगाते हैं कंबसन रिएक्शन पे लगाते हैं, कंबसन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एक्स एच वाई एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू गिव्स करता है एक्स सी ओ टू वाई बाई टू एच टू ओ, ये हमारा है कंबसन का फॉर्मूला, ठीक है। कंबसन का इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमको रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, तो रिएक्शन अगर बैलेंस करना आता है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो इसको याद कर लो, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ एयर पूछेगा कभी भी तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू फाइव कर देना, वॉल्यूम ऑफ एयर अगर कभी पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू फाइव कर देना, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपन प्योर रिएक्टेंट अपन वेट अप इम्प्योर रिएक्टेंट इंटू 100। जो प्योर वाला होगा वो स्टोइकोमेट्री से निकालना पड़ेगा और जो इम्प्योर वाला होगा वो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना। जो प्योर होगा वो स्टोइकोमेट्रिक से निकालेंगे, स्टोइकोमेट्री भी आगे बता रहा हूँ, और इम्प्योर वाला जो होता है उसको क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक। सॉरी अमाउंट पूछ लिया इसी से, तो मास ऑफ दैट कंपाउंड अपन परसेंटेज प्योर सैंपल इंटू 100 हो जाएगा। देखो यहाँ परसेंटेज प्योरिटी था, यहाँ परसेंटेज इल्ड है, परसेंटेज इल्ड जब पूछेगा तो एक्चुअल इल्ड अपन थियोरेटिकल इल्ड इंटू 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल इल्ड होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा और थियोरेटिकल इल्ड हमको निकालना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, परसेंटेज प्योरिटी में जो प्योर वाला जो ऊपर वाला था वो स्टोइकोमेट्री में निकालना पड़ता और नीचे वाला क्वेश्चन में था, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ऊपर वाला क्वेश्चन में दिया होगा नीचे वाला स्टोइकोमेट्री में, तो इसको याद रखना, ठीक। देखो अगर एक लीटर किसी गैस का एन मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है तो उसका एक्स लीटर जो होगा एक्स एन मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, यूनिटरी मेथड है। एक एक लीटर में अगर एन मॉलिक्यूल है तो एक्स लीटर में एक्स एन मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। मोलर रेशियो अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मोल्स का रेशियो निकालो, अगर कहीं पर लिखा है कि मोलर रेशियो निकालो तो मोलरिटी वगैरह मत निकालना, मोलर रेशियो का मतलब होता है मोल्स का रेशियो, ठीक। 22400 सीसी ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल कंटेन एन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर कहीं पे 22400 सीसी है मॉलिक्यूल का तो उसमें एन ए मॉलिक्यूल होंगे, एन ए मॉलिक्यूल का मतलब अवगाद्रो नंबर यानी 6.022 × 10²23 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। मॉलिकुलर वेट ऑफ जो वायरस होता है वॉल्यूम अपन स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू एन ए होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, अब इसका कोई चांस नहीं है आने का, ठीक है। तो बस याद कर लो कि मॉलिकुलर वेट जो होता है ना किसी भी चीज़ का है, तो वायरस का पूछा था, तो वॉल्यूम अपन स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू एन ए, अगर कहीं पे वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपन टू होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होगा मोलर मास अपन टू इज इक्वल टू वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ एस टू, एस टू से कंपेयर करके वेट को निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी। अभी तक इसका यूज़ नहीं आया, बस इसी से काम हो जाता है। तो वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ एस टू, फॉर्मूले याद रखो, अभी हर जगह काम आएंगी, ठीक। इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप्स मैं लिखा हूँ, बता रहा हूँ अभी कैसे। पहले बात, एन इजकल टू होता है मॉलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखो। अब बताता हूँ कैसे होता है, जितना मास परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो उतना ग्राम में कन्वर्ट, जैसे मान लो दिया 25%, इसका मतलब होगा 25 ग्राम, ठीक।
उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स में जैसे मान लो ऑक्सीजन था तो मोल्स में क्या करो, मास अपन मोलर मास 16 से डिवाइड करो। जैसे मान लो किसी के दिमाग में ऑक्सीजन तो O2 के फार्म होता है 32 से डिवाइड कर, नहीं करना, ऑक्सीजन है 16 से, क्लोरीन है 35.5 से, ये मोल्स निकल गया। मान लो पहले का मोल्स आया 2, तीसरे का दूसरे का आया 3, तीसरे का आया 4, तो सबसे छोटा 2 है ना, तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2/2, 3/2, 4/2। अब इसका आंसर मान लो इसका डिवाइड करने पर 1 आया, इसका 1.5 आया, इसका मान लो 2 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा मान लो C1H1.5 और O2। ऐसे करके इसको निकालते हैं, तो ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ जो n हमारा होता है ना, इंपेरिकल फार्मूला निकल गया हमको, अब मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए, मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए n निकालो। n के लिए क्या करोगे, मॉलिकुलर मास अपन इंपेरिकल मास, मॉलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया होता है और इंपेरिकल मास तुम यहाँ से निकालोगे, जो भी तुम्हारा फार्मूला आया मान लो CH2 आया, यहाँ से इंपेरिकल मास निकाल के मॉलिकुलर मास अपन इंपेरिकल मास करोगे, उसके बाद जो n आया उसी से इंपेरिकल फॉर्म, मान लो AS CH2 था, n का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें C2H4O2, तो ये मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, सारा स्टेप देख लेना कैसे निकालते हैं, अभी वहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा। ठीक, स्टॉइकोमेट्री देखो, स्टॉइकोमेट्री के लिए हमेशा देखना रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। मोल कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, वॉल्यूम कंजर्व होता है, तीन चीज़ कंजर्व होती है, मोल कंजर्व होगा, मास कंजर्व होगा, वॉल्यूम कंजर्व होगा किसी भी रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में। तो अगर मान लो ये बैलेंस रिएक्शन है AA BB CC DD, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ ए, यानी कि ए का जितना भी मोल्स दिया हुआ क्वेश्चन में, मान लो 5 मोल दिया है, 2 मोल दिया है, तो उसको ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ ए अपन स्टॉइकोमेट्री, यानी कि ए के आगे जो कुछ, जैसे मान लो लिखा है 2NH3, ठीक है, प्लस 2 कुछ भी लिखा है, 2H2 कुछ भी लिखा, तो ये जो 2 है ना, जो मान लो NH3 का 5 मोल दिया, तो लिखेंगे 5 अपन स्टॉइकोमेट्री अपन 2, समझ गए। तो ए मोल्स ऑफ ए अपन स्टॉइकोमेट्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपन उसका स्टॉइकोमेट्री, मोल्स ऑफ सी अपन इसका स्टॉइकोमेट्री, यानी कि सबको बराबर कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अगर गैस के लिए दिया है तो वॉल्यूम को बराबर कर दो, वॉल्यूम ऑफ ए अपन स्टॉइकोमेट्री, वॉल्यूम ऑफ बी अपन स्टॉइकोमेट्री, वॉल्यूम ऑफ सी अपन स्टॉइकोमेट्री। स्टॉइकोमेट्री मतलब होता है जो, जैसे कोई भी कंपाउंड हो उसके आगे जो लगा होता है नंबर, उसी को स्टॉइकोमेट्री बोलते हैं, तो उससे डिवाइड कर दो, ये हमारा स्टॉइकोमेट्री होता है। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं, इससे मैं करा के दिखाऊंगा तुम्हें शाम के टाइम में। ठीक है, अभी बस कंसेप्ट याद रखो। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट तब लगाएंगे जब कंसेप्ट, जब इन्फॉर्मेशन सारे रिएक्टेंट का दिया हो, जैसे मान लो कोई C+O2 है, CO2 है, इसका भी इन्फॉर्मेशन दिया, इसका भी इन्फॉर्मेशन दिया कि ये 5 ml था, ये 2 ml था, तो सॉरी इस केसेस में हम लोग तुरंत लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट के लिए हम लोग पहले रेशियो निकालते हैं, जिसका रेशियो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो रेशियो क्या होता है, गिवन मोल अपन स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर भी वही था, पहले मोल निकाला अपन कोफिशिएंट ऑफ स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर भी वही है, गिवन मोल है, मोल जो दिया हुआ अपन स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो मान लो AA BB CC दिया हुआ, तो RA निकालो, ये तो प्रोडक्ट है ना, इसको मत टच करना, प्रोडक्ट बनेगा उसी के हिसाब से जो लिमिटिंग एजेंट होगा। मान लो ये 2 था, ये 5 था, तो ये 5 वाले काम ही नहीं है, 2 से 2 रिएक्ट कर जाएगा और 3 ये बच गया, तो ये तो खत्म हो गया ना, 3 इसका कोई काम ही नहीं है, 2 से 2 रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 रिएक्ट करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा तो कुछ बचेगा नहीं, 0 से क्या रिएक्ट कराओगे, कुछ नहीं। तो वही रेशियो जिसका छोटा होता है वो हमारा LR होता है, लिमिटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे रेशियो निकाल के, रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टॉइकोमेट्री, मोल्स अपॉन स्टॉइकोमेट्री, निकल गया लिमिटिंग एजेंट, मान लो जिसका रेशियो कम आया वो LR है, तो अब सारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो LR को करेंगे, LR के अकॉर्डिंग, और एक्सेस वाले को हटा देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ देखो, तब क्या लिखेंगे, अब एक्सेस वाले को हमने हटा दिया, तो अब लिखेंगे क्या, मोल ऑफ LR अपॉन स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टॉइकोमेट्रिक, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे बोला था हमने CO2 बनाया, यहाँ पे ये CC है ना, मोल ऑफ प्रोडक्ट है, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टॉइकोमेट्री लिख देंगे, नीचे मोल ऑफ LR अपॉन स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक्सेस अगर पूछ रहा है मतलब कितना खत्म हो गया, कितना बचा, उससे निकाल सकते हो, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट अपॉन स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्सेस रिएजेंट का कितना यूज हो चुका, तो मान लो 10, पहले 20 ग्राम था, अब 10 ग्राम यूज हो गया, तो कितना बचेगा, 10 ग्राम, सॉल्व कर लेंगे, बेसिक मैथ है। ठीक है ना, तो ये अच्छे से देख लेना, जैसे क्वेश्चन है, एक मोल SO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ H2S कम्प्लीटली टू फॉर्म इतना इतना इतना, देखो तो हमको मालूम होना चाहिए। देखो पहले रेशियो निकालो सबका, देखो SO2 का भी दिया हुआ है, H2S का भी दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों का दिया होता है, जब दोनों रिएक्टेंट का मतलब वो दिया होगा इन्फॉर्मेशन, तो लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो SO2 है, H2S है, दोनों का दिया है, तो पहले निकालो,
आर यानी रेशियो, तो गिवन मोल अपन स्टोकोमेट्री, गिवन मोल कितना है, एक मोल है, एक मोल है, स्टोकोमेट्री इसका आया कितना है, वन है, कुछ नहीं है, तो वन अपॉन वन इसका कितना है, एक मोल दिया हुआ है, एक मोल स्टोकोमेट्री वन टू है, तो वन अपॉन टू, यानी ये कम हो गया ना, 0.5 हो गया, इसका मतलब ये हमारा एल आर हो गया। अब एल आर हो गया इसका मतलब इसको हटा दो एस ओ टू को, अब सारा खेल इसके अकॉर्डिंग चलेगा, एस टू एस के अकॉर्डिंग। तो लिखो मोल ऑफ एस टू एस अपॉन स्टोकोमेट्री कितना है, टू है, इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ एस अपॉन थ्री। अब यहाँ से तुम एस का कुछ भी निकाल सकते हो, मास अपॉन मोलर मास रख दो, यहाँ से मास निकाल सकते हो इजीली। शाम को आना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, सब करा दूंगा अच्छे से, ठीक। अब देखो लाफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, इसको दिया था एंटोनी लेवेजियर ने दिया था, और ये अप्लीकेबल नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस पे, इतना याद रखना। और लाफ कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में लाफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी दोनों का काम होता है, एक का काम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा लाफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको दिया था लुइस प्रूस्ट ने, या जोसेफ प्रूस्ट बोल दो या लुइस प्रूस्ट बोल दो, दोनों एक ही नाम था उनका। तो ये बोलता है कि अगर H2O का, ठीक है, अगर H2O का मास रेशियो निकालोगे H2O में, तो S का ये दो हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 16 होगा, 1:8 होगा। तो ये जो रेशियो है, वो पानी तुम कहीं से लो, या तो नाली से पानी लो, समंदर से पानी लो, कहीं से लो, ठीक है, लेक से पानी लो, कहीं से लोगे तो इसका रेशियो सेम आएगा। ये बोलता है लाफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, और ये अप्लीकेबल नहीं होता है आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स में अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि मास नंबर, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे सॉरी आइसोटोप्स में सेम नहीं होता, क्योंकि आइसोटोप्स में सेम क्यों नहीं होता, ऊपर मैंने गलती बोल दिया, मास उस नंबर सेम होता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आइसोटोप्स में क्यों सेम नहीं होता, क्योंकि देखो H2O का तो 1:8 आ गया, ठीक है, लेकिन D2O का 4:16 आ जाएगा, ठीक है ना। मास इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ड्यूट्रियम का 2 होता है, तो 2 है तो 2 × 4, 4 × 16 1:4, ये रेशियो हो जाएगा 1:4। इसका मतलब बस इतना याद रखो कि आइसोटोप्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता लाफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है जॉन डाल्टन ने दिया था, ये बोलते हैं भाई साहब एक CO है, एक CO2 है, तो पहले वाले को फिक्स करो, 12 12 फिक्स करिए, दूसरा जो रिएक्ट करेगा 16 यहाँ पर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का, O2 का रिएक्ट किया 32, O2 का 32 होगा ना, तो 16:32 का रेशियो जो 1:2 आएगा, वो रेशियो क्या होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या होता है, ये दो एलिमेंट होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं, उसी से निकालते हैं हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो NaCl NaBr, एक Na हो गया, एक Cl हो गया, दो कंपाउंड हुआ, एक Br हो गया, तीन कंपाउंड हो गया, गलत हो गया, हमको दो एलिमेंट चाहिए, दो कंपाउंड चाहिए। SO2 में देखो एक सल्फर हो गया, एक मतलब ऑक्सीजन एक हो गया, एलिमेंट हो गया, तो दो एलिमेंट हुआ, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, सल्फर ऑक्सीजन, तो ये सही करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन एक हुआ, ऑक्सीजन दो हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया ना, और ड्यूट्रियम तीसरा एलिमेंट हो गया, यानी तीन एलिमेंट गलत हो गया। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, इतना ध्यान रखना, ठीक ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, ये हमारा चैनल है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मेडिको होली कभी को सपोर्ट करते रहो, और ये सीरीज लास्ट तक चलेगी और बहुत तुमको फायदा होगा इससे। ये देखो नीट अवतार सीरीज में पहला बस लेक्चर था, ये यूनिट एंड डायमेंशन का 25 मिनट में खत्म कराया, और दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, डुअल नेचर भी मैंने करा दिया है, ठीक है, और तीन पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, 2.5 घंटे में लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया है, उसको तुम लोग जाके कर सकते हो। यहाँ से करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में 20 out of 20 करेक्ट होंगे होंगे। शाम को 9 PM पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आ जाना 9 बजे सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बताए सब अप्लाई करके सिखा दूंगा, अच्छे से कर ले जाओ, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत टाइम लगता है यार, तुमको पता ही होगा कितना टाइम लग रहा है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जितना शेयर हो सकता है उतना करो, शेयर एज मच एज यू कैन, ओके, दिस सीरीज नीड्स योर सपोर्ट। आलतू फालतू लोगों को सपोर्ट करने से अच्छा है यहाँ सपोर्ट करो, इसको शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोगों तक लोग जाने इस चैनल के बारे में कि हाँ इस चैनल पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं पूरा करूँगा ही करूँगा, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को, थैंक यू।